मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे ही दिखें। ली ग्रुप जो कि ओशियन सिटी की सबसे फेमस कॉस्मेटिक कंपनी मानी जाती है, पिछले कुछ सालों में इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। ली याओहुई जो कि ली ग्रुप के चेयरमैन हैं, इन्होंने 50 सालों से इस बिजनेस को संभाला है और इसे आगे बढ़ाया है। ली याओहुई के द्वारा अपॉइंट किया गया नया डायरेक्टर जिसका नाम है ली जियासांग, 27 साल के इस नौजवान ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पूरा किया है और विदेश से लौटते ही इन्हें ये ऑफर मिला। हालांकि इन्हें काफी गुस्से वाला और खड़ूस माना जाता है, इन्होंने आने के बाद अपनी कंपनी से काफी एम्प्लॉयज को बाहर निकाला है। ओ नहीं, ये तो उनकी खतरनाक वाली स्माइल है। सीईओ ली, क्या हमारे बनाए इस प्रपोजल में कोई चेंजेस देखना चाहते हैं? ली ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। सीईओ ली, साइन कीजिए डायरेक्टर सू। सीईओ ली, हो सकता है आपको कोलैबोरेशन के लिए नई टीम मिल गई हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि फेम शो को हम लोगों को एक मौका जरूर देना चाहिए। हमारी मेहनत को साबित करने का ये अच्छा मौका हो सकता है। इससे हमारे ओपोनेंट को हमें जानने का भी एक मौका मिलेगा। ये बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, मैं आप सबको एक हफ्ते का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर फेम शो हारती है तो हम ये कॉस्मेटिक शो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे और कभी कोलैबोरेट नहीं करेंगे। नए सीईओ ने काफी बदलाव लाए हैं, तुम्हारी नजरों ने उन लड़कियों को बहुत डरा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लुक। लेकिन उन्हें एक दूसरे से कम्पीट क्यों करना है? क्या ये जरूरी है? फेम शो को भी एक मौका दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी हार एक्सेप्ट कर सके। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुई, तुमने सारे प्रोसीजर्स पूरे कर लिए? डायरेक्टर होना काफी मुश्किल है और इस शो की वजह से दो डायरेक्टर पहले ही भाग चुके हैं। ये तो अच्छी बात है, बुरी चीजें तीन बारी होती है। चीफ एडिटर सुन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कॉस्मेटिक शो से भी ज्यादा जरूरी हमें फेम शो है। हमें उसे जीतना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तुम बस देखती जाओ। हाँ ठीक है। मैं वाइस प्रेसिडेंट जांग के साथ हुए इशू को देख लूंगी, तुम मुझ पर कब तक गुस्सा रहोगे? तुम उसे बहुत मिस करती हो ना? काश तुम आप भी यहां होती।
पूरा घर संभालती है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे ही दिखें? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कितने सारे जुड़वा लोग एक जैसे ही तो दिखते हैं, पर दोनों खूबसूरत हो इसके चांसेस कम लगते हैं। फिर से उसकी याद आ रही है, शायद मैंने उसे आज देखा था, पर वो मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। देखो अब तुम्हें उसे भूलना होगा। लेकिन वो बिल्कुल उसके जैसी थी। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हेलो एक्सक्यूज मी, जी श्याम, मैंने सुना है कि फेम शो का ड्राफ्ट बहुत ही बेहतर है। मुझे पता था आपको पसंद आएगी, कंपटीशन से क्वालिटी बढ़ती है। मैंने चेयरमैन ली से भी ये बात कही थी, वो काफी खुश हैं इस बात से और इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेना चाहते हैं अपने ऊपर। और डायरेक्टर सॉन्ग, आपकी बात गलत नहीं है, और जहां तक मेरे दादाजी के बिजनेस की बात है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ली ग्रुप उनका ही है, अगर मैं नहीं संभालूंगा तो और कौन संभालेगा? सही कहा, बहुत अच्छा। उन्हें हमारे फेम शो के इंटेंशन के बारे में पता चल गया है, शायद उन्हें पहले से ही शक था, अब तुम्हारे दादाजी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने फेम शो के साथ काफी साल कोलैबोरेट किया है, जिसके बेनिफिट्स भी मिले होंगे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। तो अब उसके साथ हिसाब कैसे करें? उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त है। शैन, तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए। सैम्बाओ, काम पे फोकस करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, 2 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी, 4 बजे प्रेजेंटेशन है R&D के प्रोडक्ट्स के बारे में, और 6 बजे हाँ बोलो, फेम शो के कॉस्मेटिक ओरिएंटेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे ही दिखें? मुझे यकीन है आज मैंने उसे देखा। सर, जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो मैंने बनाई है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तुम यहां कैसे? तुम ये भूल गई थी। शुक्रिया। गार्डिंग ली लीजिए शाम। मुझे लगता है हम कहीं तो मिले हैं मिस गाओ। मिस्टर ली, आपको फ्लर्ट करना बिल्कुल नहीं आता, और बेहतर होना पड़ेगा। आप अपनी इस पेंटिंग से क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? आपने क्या देखा? मुझे इसमें उम्मीद दिखी। सच में?
पर मुझे तो इसमें खतरा और जुनून दिखता है। मैं तो मजाक कर रही थी। तो मिस्टर ली, आप पेंटिंग्स देखिए, मैं चलती हूं। मिस गाओ, आज शाम आपके पास वक्त है? आई एम सॉरी, आज तो मैं काफी बिजी हूं। ये रहा मेरा फोन नंबर, अगर आपको मेरी पेंटिंग्स खरीदनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वेट कर सकता हूं। कुछ मिला? उसके नाम और काम के अलावा तो कुछ भी पता नहीं चला, पर ये नाम गाओ दिंगली कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। एग्जीबिशन का क्या? एग्जीबिशन अभी चल रहा है, लेकिन मुझे वो पेंटिंग नहीं दिखी। तुम्हें ये काम ठीक से करना चाहिए था। अगली बार जब आओ तो प्लीज अपना फोन साइलेंट पे ही रखना। हेलो, क्या कर रहे हो? अरे तुमने मुझे कॉल किया है और मुझे पूछ रहे हो? अरे ये क्या है, ये सही नहीं है। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है, वो तो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी होती है। तो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आओ आओ बैठो यहां पर। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बाबा ऐसे ही फॉर चेंज। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, उस नंबर का क्या? अरे मेरे पास दो नंबर्स है ना, तो मैंने एक नंबर अपनी दोस्त को दे दिया क्योंकि वह अभी अभी अब्रॉड से आई है। क्या मैं उस दोस्त को जानता हूँ? हाँ जानते हो, पिछली बार जब हम मिले थे उसने हमारे साथ पिक्चर्स भी ली थी। तुम्हें देखनी है क्या? ठीक है, वो अभी अभी जापान से आई है। मुझे पता भी नहीं कि उसे कांटेक्ट कैसे करूं। ये बहुत डिलीशियस है ना? मुझे नहीं लगता उसके लिए वेट करना अच्छा आइडिया है। बाय द वे, फेम शो का पूरा वर्कफोर्स बैटल के लिए तैयार है और उन्हें किसी भी तरह जीतना ही होगा। मैं जानता हूं कि यह आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर फेम शो से जांग मिंगडा को हटाना जरूरी है। हमें इस बार सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए। वैसे भी वो पेंटिंग तुम्हारे घर डिलीवर कर दी है, तुम खुश हो ना? थैंक यू। ये ट्राई करेंगे? नहीं ले सकती, मुझे एलर्जी है। ये लीजिए पेंटिंग का डिपॉजिट। ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। आपकी पेंटिंग इससे कई ज्यादा कीमती है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, जॉय डिवीजन पैकेज पार्सल रूम में रख दो प्लीज। जॉय डिवीजन?
अरे वाह, तुमने तो सिर्फ नाम से ही पहचान लिया। वो मेरा फेवरेट पोस्ट पंक बैंड है। मेरा भी, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो आउट ऑफ डेट हो गया है। क्लासिक, कभी आउट ऑफ डेट नहीं होता। मैंने आपके प्लान्स डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फिल्म देखने का सोच रही थी। हालांकि मैंने वो फिल्म 10 बार देखी हुई है। क्या 10 बार? कौन सी फिल्म है? पेड्रो अल्मोडोवर की टॉक टू हर। पर तुमको तो वैसे लव स्टोरीज शायद पसंद भी नहीं होंगी। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि मैं रोता हूँ क्योंकि मैं वो बता नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे बुरा तब होता है जब आप अपने प्यार को ही छोड़ दो, प्यार वही खत्म हो जाता है। मिस गाओ, आपको यकीन है आप मुझसे पहले नहीं मिली? तुम बिल्कुल उस लड़के की तरह हो। जो कुछ दिन पहले नूडल्स विस्की के साथ खा रहा था। हैप्पी बर्थडे बेबी, एक पिक्चर लेते हैं। मैं कैंडल जला देता हूँ। थैंक यू। मुझाओ। जी हर्षांग, मुझे बचाओ। मुझाओ। जी हर्षांग। मुझाओ। माफी चाहता हूं कि आपको तकलीफ हुई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना हम बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा ले? हाँ। बारिश के दिनों में हवा कितनी ताजी हो जाती है ना। अगर आज यहाँ बारिश हो जाती है तो मेरा घर पास में ही है, आप पेंटिंग देखने आ सकती हैं। आपको उसकी याद आ रही होगी ना? नो थैंक्स, पर मैं तुम्हारी बिल्ली से मिलने चलूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो शैलेंद्र। प्लीज बैठो, शुरू करो। फेम शो के प्रपोजल से शुरू करते हैं। ये है प्रपोजल की थीम, अट्रैक्टेड विद वन ग्लांस, क्योंकि हम हमारी यंग ऑडियंस को टारगेट करेंगे। इसलिए हम मॉडर्न ट्रेंड्स को क्लासिक आर्ट से ब्लेंड करेंगे। कॉस्मेटिक शो के लिए इस बार हम कुछ नया और कुछ अलग करना चाहते हैं, जिससे लोग काफी इम्प्रेस हो सके। चाइनीज और वेस्टर्न आर्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए हम ईस्ट एशियन फेसेस को फीचर करेंगे, जो कि कुछ नया होगा और ये यंग लोगों को काफी पसंद आएगा। प्रपोजल की बाकी डिटेल्स आपको मेल कर दी गई है। थैंक यू। ठीक है जयशंग, तुम्हारी बारी। हम अभी तैयार नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम्हारे पास एक भी प्रपोजल नहीं है? चंचन, क्या ये प्रपोजल तुम्हारा है? नहीं, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर ने